चकेरी क्षेत्र शिव गोदावरी चौकी की पुलिस सोती रही, चोरों ने किया लाखों का माल पार। केडीए कॉलोनी निवासी अनिल कुमार ने बताया कि पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते वह अपनी ससुराल ग्वालटोली में रह रहे थे। अनिल कुमार जब अपने घर आए तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था, वह घबरा गए। अनिल कुमार ने अपने क्षेत्र की शिव गोदावरी चौकी में घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस, हर बार की तरह पड़ोसियों से पूछताछ की गई और मामले को टाल दिया गया। शिव गोदावरी चौकी क्षेत्र में लगातार हो रही है चोरी की वारदात, नहीं कर पाए शिव गोदावरी चौकी इंचार्ज कोई भी चोरों की घटना का खुलासा। नगर निगम सुपरवाइजर अनिल कुमार के घर से 8 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख कैश चोरों ने किया पार। क्या लगातार होती रहेंगी क्षेत्र में चोरियां? पुलिस की लापरवाही के चलते चोरों के हौसले हो रहे बुलंद, देखते हैं आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आरटीआई न्यूज 24 के लिए विपिन कुमार की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या हुआ आपके यहाँ? क्या सर, ये एक महीने से करीब मेरी वाइफ जो है बीमार चल रही है, तो उनके इलाज के लिए मैंने उनको ससुराल में छोड़ रखा था, अपने बच्चे भी वहीं पे थे और मैं अपनी ड्यूटी यहीं पे कर रहा था। अभी मतलब जो है कि घर भी देखता रहा हूँ और अपना जो है ड्यूटी भी कर रहा था। मैं परसों आया जब यहाँ पे, बीच बीच में घर भी देखने आ जाते थे क्योंकि घर में ताला लगा हुआ था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है घर में। तो जब मैं यहाँ पे परसों आया अपनी ड्यूटी से दोपहर में करीब 2:15 बजे, तो कहीं कुछ नहीं था यहाँ पे। हम आए फिर 5 बजे तक रुके, उसके बाद फिर हम लॉक करके चले गए कि अपने बीवी बच्चों का हाल देखे चलते। फिर मैं अपने ससुराल गया, दूसरे दिन सुबह फिर मैं अपने ड्यूटी पहुँचा, ड्यूटी की, फिर नेक्स्ट टाइम जो मैं नहीं आ पाया। आज मैं फिर आया तो मैंने ड्यूटी ऑफ होने के बाद देखा कि यहाँ पे करीब 2:15 के बीच में मैं आया तो बाहर मेन गेट पे लॉक लगा हुआ था। उसके लॉक खोलने के बाद मैं अंदर ऐसे आया तो दूसरे गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर उसके अंदर आया, वो भी दरवाज़ा टूटा हुआ था अंदर रूम का। हमको ये एहसास हो गया कि चोरी हो गई है। घर पे आया देखा अंदर पूरी अलमारी का टूटा हुआ पूरा लॉकर वगैरह दरवाज़ा पूरा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पर। इसमें से 8 लाख रुपये की ज्वेलरी जो है चोरी हुई है और 2 लाख रुपये कैश है। 2 लाख रुपए कैसे, इसमें कुछ हमारे लेबर को नाला सफाई में पैसे हमको बांटने थे वो पैसा था, कुछ हमारा अपना पैसा था कि लॉकडाउन के चलते कोई ना कोई ज़रूरतें पड़ रही थी तो इस वजह से कुछ पैसा हमारे पास 50 से 60 हज़ार रुपये हमारा खुद का पैसा कैश था। आप किस में काम करते हैं? मैं नगर निगम में सुपरवाइज़र हूँ। कहाँ? ये नगर निगम में। क्या अगल बगल वालों को नहीं मालूम चला कि आवाज़ें आई गेट तोड़ने की है उसकी? अब अगल बगल तो सर ऐसा रहता कि ना, रात में तो हमारे यहाँ पे लोग 12-1 बजे तक जगते रहते हैं। अब उस टाइम पे तो कोई घटना हुई होती तो कुछ ना कुछ जानकारी उनको मिलती, उसके बाद क्या हुआ है ये तो वही जाने मोहल्ले वाले ही जाने। इसकी सूचना दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है। कहता जो है वो भी आए अपना इंक्वायरी कर गए हैं, देख गए हैं आगे क्या करते उसके लिए वो बोल रहे कि मैं उसको करता हूँ। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।